लिया हूँ आज। ये है जुम्मन मियाँ, इनके 6 बच्चे हैं, पर ये ठरकीपन से बाज नहीं आते। लो जुम्मन मियाँ आपका पान। अबे यही तो भूल गया था यार मैं, कमाल कर दिया। वो क्या है कि जब तक हम पान नहीं खाए हमारा तो हाथ पांव काम नहीं करता। यार पान तो मेरे लिए मियाँ सलाजीत की गोली की तरह है। जुम्मन मियाँ ये क्या है? अबे ये मेरी जूतियाँ हैं बेटा। हम जब मस्जिद में जाते हैं ना, बड़े बड़े चोर आते हैं, जूतियाँ चोर लेते हैं। मैं भी बड़ा चिराना आदमी हूँ, एक अलग पाँव की दूसरी अलग पाँव की। ये बेटा अब चोर ले, चल अब तू निकल ले। खुदा हाफिज जुम्मन मियाँ। खुदा हाफिज। स्वच्छ भारत अपना भारत। बहुत अच्छे। अबे बता पहले ही कह रहा था टेढ़ा है टेढ़ा है, सीधा कर ले बैंगन की शक्ल के। क्या है जुम्मन भाई, अब कौन सा नया धंधा खोल लिया आपने? अभी मैंने इस बार ये सब बिजनेस शुरू किया है, जो कोई ग्राहक मेरी दुकान पर एक बार आएगा वो बार बार आएगा। अच्छा। हाँ, ना तो वैरायटी की बात करेगा, ना मजबूती की, और ना ही पीएसए कम करने की बात करेगा। अरे तो ऐसी कौन सी दुकान खोली है आपने? स्कूल गया कभी? हाँ गया हूँ। पढ़ना आता है? आता है। तो पागल के बच्चे सामने पढ़ना क्या लिख रहा है? हाँ, आपकी अपनी कफन की दुकान। हाँ, एक के साथ एक। लो एक मुफ्त। कैसा लगा मेरा नया बिजनेस? अरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अबे जब मेरी दुकान का कफन पहनेगा ना मुर्दा, हा? वो भी यही बोलेगा बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये पता होता कि ये सा कफन मिलेगा तो पहले मर गया होता। ठीक है जुम्मन भाई, पैसे। पैसे? ये सा कैसे पैसे मांग रहा हूँ भाई? बैनर के पैसे दुकान में पहले दे के आ गया। अरे जुम्मन भाई, बैनर के नहीं, चाय पानी के, नाश्ता पानी के पैसे। चाय पानी तो याद है, 3 दिन बाद है ना। तीन दिन बाद क्यों? अबे 3 दिन बाद क्या कि मेरी दुकान का मुहूर्त है तो। अच्छा। चाय के साथ साथ नाश्ता भी करके जाना। कफन की दुकान का चाय नाश्ता, लालत है ऐसे चाय नाश्ते पे। चल भाई। हाँ चल भाई। अबे लालत तो तुम्हारे ऊपर है, जाए लो। आओगे किन तो बीमारियां फैलेगी, फिर से आएगा कोरोना, फिर बोलोगे कफन है कफन है। ये क्या खबर, 500 रुपए बेचूंगा कम वक्त। हाँ, क्या सड़ी बदबू आ रही है, लगता है फिर कोई कुत्ते का बच्चा मेरे ससुराल से आया। आ गए आप? ये है जुम्मन मियाँ की बीवी रुखसार। जुम्मन की आदत की वजह से हमेशा झगड़ा करती रहती है। वैसे तो मैं आ गया, बाकी तू चेक कर ले। आपके साले साहब आए हैं, अंदर बैठे हैं। साले साहब आए? अभी वो जाता है कब है? साल के 300 पीएसडी तो यही पढ़ा रहता है। तो क्या हुआ, उसकी बहन का घर है। यही तो मैं कह रहा हूँ, उसकी बहन का घर है, उसके बाप का नहीं है। तो बहन भी तो माँ की तरह होती है भाई। बहुत अच्छे, इस हिसाब से तो मैं उसका बाप हुआ। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अरे तेरा खुद के अपने 6 बच्चे हैं, फिर क्यों अपने बाप की प्रॉपर्टी को हजम करने पर तुली है? भाई है वो मेरा भाई है वो मेरे। तेरे घर वो 3 कुंवारी बहने भी तो है। तो वो क्यों नहीं आती हमारे घर? तुम्हारी हरकतों की वजह से। मैंने कौन सी चुम्मियां ले ली उनकी? तुम्हारी आंखों में ना उन्हें जहरीला नाग नजर आता है। इसी नाग से लिपट कर तूने 6 बच्चे पैदा किए। मेरी तो किस्मत फूट गई तुमसे शादी करके। मैं किसी दिन भेटी मार के ना तेरी नक्सी फोड़ दूंगा। शादी से पहले तो बड़े मेरे आगे पीछे चक्कर लगाया करते थे। अरे पागल की बच्ची, शादी से पहले तो हर लड़का लड़की के पीछे घूमता है। अभी ये तो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारा तहजीब है। लड़कियों को घूरना तहजीब? वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। अगर हम लड़के नहीं हो ना तो लड़के मेकअप करके क्या अपना बाप को दिखाएगी? जानू तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाऊंगा, तारे तोड़ लाऊंगा। ऐसी बातें क्यों करते हैं शादी से पहले? ये लड़कियां सेट करने के लिए, किसी का बाप भी लाए चांद तोड़ के। तो फिर झूठ क्यों बोलते हैं लड़के? क्योंकि लड़कियां सच सुनना पसंद ही नहीं करती। अब क्या बोले लड़कियों को? जानू मैं शादी के बाद तुम्हारे राशन ले आऊंगा, हरी सब्जियां ले आऊंगा, कपड़ों को प्रेस करा ले आऊंगा, ये सब सुनकर फटेगी वो। अरे सच सुना तो पसंद ही नहीं करती लड़कियां। तो तुम ही आए थे शादी के लिए मेरी घर की चौखट पे नाक रगड़ने? मेरा बाप है ना तेरे घर की चौखट उखाड़ के मेरे नाक पे रगड़ने के लिए, नरभक्षी औरत। तो इनकार कर देते शादी क्यों की? धोखा धोखा हुआ है मेरे साथ। अच्छा कौन सा धोखा? शादी से पहले तेरी 25 साल पुरानी फोटो दिखाई थी। अरे मेरा तो खुद का बाप तेरे से 5 साल छोटा है।
मेरे को तो हकीकत पता ही भाई साहब तक चला। जब शादी के बाद में सुहागरात कमरे में गया ना, ये पलंग पर बैठे जर्दा बना रही थी। मैंने कहा अम्मा जी आप कौन हो, आप जो आज मेरी सुहागरात। हाँ हाँ, बड़े गबरू जवान लगते हो। ऐसा लगता है कि तोता तो उड़ गया और पिंजरा रह गया। हाँ तो पिंजरा खाली है तो क्या हुआ, काम तो पूरा कर रहा है ना। वो मेरी औलादे खा गई जिनका मैं 50% बापू। हाँ हाय अल्लाह, 50 क्यों, 50% तू भी है ना। खैर बच्ची औरत, मैंने अकेले थोड़ी पैदा किया, 6 बच्चे। जानू चल अंदर। तुम अगर मेरे पति नहीं होते ना, तो करोड़पति होता। जानू अरे जलंधर। अबू जान। अबे मैं क्या दिल्ली में बैठा हूँ, चिल्ला रहा है ऐसे। अबू जान मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। अबे चुड़ैल के बच्चे, तेरी अम्मी का जादू से कम है क्या, जल्दी दिखा क्या दिखा रहे है? देखो मैं अंगूठा काट के मैं इधर ले आऊंगा। अच्छा नहीं बे। हाँ अच्छा दिखा। 1 2 3 बहुत अच्छे। अब मैं चियाटा मारू ना, इधर का कान इधर आ जाएगा। चल अभी आकर पढ़ ले। जी। मेरे को जादू दिखा रही है। अबे तेरी अम्मी क्या कम है क्या, 9 साल में 6 बच्चे दिए। तो क्या मेरे अकेले के हैं, इसमें तुम्हारी भी गलती है। भाई बहुत अच्छी है, इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे क्या पता मजाक में बच्चे पैदा हो जाएंगे। शर्म नहीं आती बच्चों के सामने इस तरह की बात करते हुए, कैसे बाप हो तुम। मैं तो ऐसे बाप हूँ, ये बच्चे इनकी शादी करा दो, कल ये खुद अब्बू बन जाएंगे। अरे मेरे घर में म्यूजिक की आवाज, मुझे लगता है सब उस पेइंग गेस्ट का कमाल है, कोई देख तो नहीं रहा है ना, क्योंकि मैं अकेले देखूंगा ऊपर जाके। अम्मी को बताता हूँ। मैं अब्बा को बताता हूँ। और ये है जुम्मन मियां की पेइंग गेस्ट आयशा। जुम्मन मियां हमेशा इस पर लाइन मारने की कोशिश करते रहते हैं। मैं तो पहली बार ये नजारा देख रही हूँ, मेरे घर में तो पार्टी चल, वो तेरी तकिए की जगह मेरे को ले लेती। ये तो अपनी बॉडी बना रहे, मैं तो यूं ही शक कर रही थी। इनके लिए बादाम का दूध लेकर आती हूँ।
बनाओ जी बनाओ, खूब बॉडी बनाओ। अभी आई। अबे गई क्या? तो अम्मी का चमचा, तो अम्मी का चमचा, तो अब्बू का चमचा, तो अम्मी का चमचा, तो अब्बू का, तो अम्मी का। अभी वो खली बली। अबे तुम दोनों मेरे बच्चे हो, चलो नीचे, चलो नीचे। ये तो आपस में ये हुआ, पूरी फिल्म ये हुआ। ऐसा लग रहा है तेरी अंग्रेजी पिक्चर चल रही है, इंग्लिश पिक्चर देख रहा हूँ। ऐसे लग रहा है, अजी सुनते हो? उत्तरी रेडी है? आया। याला उठा ले, अभी मेरे को नहीं, मेरी बेगम को उठा ले। मेरे घर में ट्रेन घुस जाए, मेरी बेगम मर जाए, मैं बच जाऊँ। याला पड़ोस वाली रुखसार से मेरी सेटिंग करवा दे यार। कमला का कसम मर जाए, वो मेरे से सेट हो जाए। अरे जीजू, अबे ये कुत्ते की आवाज कहाँ से आ रही है? जीजू कहाँ हो? अबे हैं? जीजू हैं? अबे ये चुड़ैल का बच्चा फिर आ गया, आज नहीं छोड़ूंगा इसको, आज नहीं छोड़ूंगा, साले आ रहा हूँ। जीजू जीजू, अरे जीजू, जीजू कहाँ हो यार? अरे जीजू मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। अबे मैं कोई सरकारी नौकरी जी ढूंढ रहा है तू? अरे जीजू तुमने फिर से क्या कर लिया? ये अबे ये मेरे को आदत है ना, हर जगह उंगली करने की। अच्छा, इस बार पूरा हाथ कर दिया होगा। फालतू आदत मत कर, तू क्या है ये बता। छोड़ो। अच्छा जीजू, आप मुझे ये बताओ, आपने खाना खाया नहीं खाया? अगर खाया तो क्यों खाया, और नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया? और आपका स्वास्थ्य कैसा है, और आपका तबीयत पानी कैसा है? अबे तू तो ऐसे सवाल किया जा रहा है जैसे मैं आईसीयू में भर्ती हूँ। अबे तू क्या मुझसे अस्पताल में मिलने आया है? नहीं मतलब वो बात नहीं है। हाँ सुनो, चलो आप तो ये लो मिठाई खाओ। मिठाई? हाँ। अबे मिठाई किस खुशी में खिला रही है? अबे क्या तेरी बहन ने मेरा को तलाक दे दिया? राहुल बुला कुत्ते, कैसी बात करते हो जीजू? अबे तो क्या कुत्ते की रेस में फर्स्ट आया क्या? अरे नहीं वो बात नहीं है। वो मैंने क्या है, मैंने मैंने कर ली। कर ली? हाँ। अबे कहाँ कर ली? अबे धोखे तो आया ना। अरे जीजू आप गलत समझ रहे हैं। अरे कर ली नहीं, वो मैंने मैंने करवा ली। बहुत अच्छे, शादी से पहले करवा ली, नसबंदी करवा ली। ओह नो, क्या जीजू किसी बहकी बहकी बातें करते हो आप? अरे वो बात नहीं है। अबे तो कौन सी बात है, पागल बच्चे ठीक से समझाते क्यों नहीं है? आओ, बात ये है कि वो तू पीले हंस ले। वो है ना, मैंने शादी कर ली। मैंने वो तो किए, तूने शादी करवा ली? मेरे को बताया भी नहीं, मैं मेरे को मेरी शादी में तेरे को बुलाया था। क्या बात है जीजू, आपने शादी मेरी बहन से की थी ना? हाँ। तो मेरी बहन से शादी की थी तो मैं तो वहां रहूंगा नहीं रहूंगा? अरे सबके सामने मत बोला करे, वो तेरी बहन है, लोग तेरे बाप के कैरेक्टर पे शक करेंगे। करेंगे? क्यों? अबे देख तू कितना गोरा है। हाँ? वो कितनी काली है। हाँ? एक बार बता, तेरी बहन के जन्म के वक्त तेरी अम्मी ने क्या अफीम खाई थी? हैं? उसका रंग देखा, 2 महीने और पेट में रहती ना चरस बन के पैदा होती। वो क्यों? तो क्या रंग देखा उसका? अरे नहीं नहीं जीजू, बात ऐसी है कि वो काले पंच है, मेरी बहन को बचपन में बहुत फायदा। हाँ, बचपन में फायदा होता था, लोग भैंस समझो तो रोटी खिला दिया करते होंगे। अरे नहीं नहीं, तो जब हम बचपन में आइस पाइस लुका छुपी खेलते थे ना, हाँ, तो कोई भी मेरी बहन को मतलब पहचान ही नहीं पाता था। बहुत अच्छे। अबे ये गांव नहीं है, शहर है, तेरी बहन को समझा? जब घर से बाहर निकले तो मुंह पे कपड़ा डाल के निकले। वो क्यों? अबे कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आके उठा के ले जाएगी। सही है। हाँ। अब छोड़ो, मैं भी चलता हूँ, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। अबे अबे सुन तो सही यार। हाँ। अबे ये तो बता, तेरी वो बीवी है कहाँ? बेगम? हाँ हाँ। ओ मैं तो भूल गया। हाँ? मेरी बेगम तो बाहर खड़ी। अरे बाद में पागल बच्चा बीवी को बाहर खड़ी करके आ गया। अबे बीवी है, मोटरसाइकिल है। अबे कोई पेट्रोल निकालेगा उसका, अंदर लेगा उसको। पेट्रोल निकालेगा? नहीं मुझे बहुत अर्जेंट काम है मुझे। हाँ। वो क्या है ना कि वो हनीमून पे जाना है। अरे हनीमून पे जा रहे तो 2-4 आदमी साथ ले जाना।
क्यों? अबे जमाना खराब है, कोई लुगाई छीन लेगा। हाँ कैसी बात करते हो जीजा जी, आप भी खामा का डराते रहते हो। अच्छा सर एक काम कर, अबे मुंह दिखाए तो करवा ले। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, मुंह दिखाई। हाँ अभी बुलाता हूँ। हाँ बुला, मुंह दिखाई अभी बुलाता हूँ। बुला बुला। अरे अभी मुंह दिखाएगा ना, मेरे कैसे भागा है इसको पता ना, पैसे मिलेंगे बेगम। अरे मेरे से पैसे ले लेगा। अरे आओ बेगम आओ अंदर आओ। दिएगा। अरे आओ पैसे लेगा। आओ अरे अंदर आओ, शर्मा नहीं। अरे जीजू अभी आ रही है। आ रही है? हाँ आओ बेगम आओ। अबे बुला जल्दी, मैं तैयार हो रही हूँ। शर्मा रही जीजू। अच्छा अच्छा शर्मा जी भी साथ आए क्या? अच्छा 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 ये हमारे जीजू है। नमस्ते। क्या हुआ जीजा जी, हम आपको अच्छे नहीं लगे? क्या हुआ जीजा जी? कचरे कचरे कचरे, हम आपको अच्छे नहीं लगे? मिला कुवत, आप तो मीरा को बहुत अच्छे लगे। तो लाइए मेरी मुंह दिखाई। ये से ये लो, अभी देता हूँ मैं तो। मेरे तो कड़क कड़क गिन के रखे नोट, ये देखो। हाय अल्लाह, मुंह दिखाई के सिर्फ 10 रुपए? अब देखो भाई, मुंह दिखाई के तो इतने ही बनते हैं। क्या मतलब? मतलब ये बस नहीं, मैं समझा रहा हूँ। मतलब मैं समझता हूँ। नहीं मैं, अरे मैं नहीं, नहीं आप जीजू, आपके अंदर के जीजू मैं समझता हूँ। बस अब 10 रुपए है ना, 10 लाख के बराबर है। अब तुम इसी में खुश रहो, आगे समझने की जरूरत नहीं है। चलो। अरे मैं इसको समझा दूँगा। नहीं मैं समझा दूंगा, मुझे समझाना आता है। आपको भी समझता हूँ मैं। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको समझा दिया था तो तेरा क्या? अरे मैं समझा दूंगा। ठीक है ठीक है। अरे जीजू, अरे बेगम तुम चलो चलो चलो। अरे जीजू वो क्या है ना, अच्छा वो देखो उधर देखो। बाबा भगत मारे की सारी हरकत अपनी बहन जैसी है, वो भी ऐसी है, जहाँ भी कोई खूबसूरत आदमी देखती है तुरंत पप्पी ले लेती है। वैसे माल अच्छा था यार, वाह बहुत अच्छे। क्या न्यूज है, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे और शाम को मीटिंग करके इंडिया लौट जाएंगे। क्या बकवास न्यूज छाप रही है ये, क्या कार उल्टी मकान उल्टा, अबे आदमी भी उल्टे, अबे पेपर ही उल्टा पकड़ रखा है यार। अबू अरे ये आ गया मेरा राजा बेटा, आजा। अरे रहने दो रहने दो, ना कमर फिर चणक जाएगी। अम्मी आ गया मेरा बेटा। हाँ आ गया, बाकी तू चेक कर ले। यार अम्मी आपने बहुत गलत आदमी से शादी कर रखी है। अबे तभी से बोल, तेरा बाप हूँ मैं। ये बाप है मेरा, दूसरे के बाप को देखो कितने हट्टे कट्टे और लंबे चौड़े हैं, और ये ऐसे लगते हैं जैसे जला हुआ मुर्दा आदमी चिता पे से उठ के आ जाओ। हाँ तो बेटा वो बारिश सुने थे ना, मैंने देखा मैं बाद में जल लूंगा। हाँ अम्मी अगली बार अगर तू शादी करेगी ना तो लड़का पसंद मैं करूँगा। अरे अपने बाप के जीते जी अपनी माँ की दूसरी शादी करवाएगा तू? नहीं नहीं इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं, इंतजार करूंगा। किसका? मेरे मरने का? हाँ कुछ बातें बताई नहीं जाती, भावनाओं को समझना सीखो। अबे समझा ले इसको, पिट जाएगा मेरे हाथ से। कलाकार का बेटा है तो पंच तो मारेगा ही ना। वैसे भी आपके जाने के बाद विरासत मुझे ही संभालनी है। अबे मेरी कौन सी विरासत संभालेगा तू? कफन की दुकान। बहुत अच्छी है, मेरा मजाक उड़ा रहा है तू हैं? मैं क्या मजाक उड़ाऊंगा, अम्मी ने मेरा मजाक पहले ही उड़ा रखा है। मैंने क्या मजाक उड़ाई तेरी? ये बता अम्मी, दुनिया में पहले मैं आया था या अब्बू? तेरे अब्बू? जब एक बेवकूफ दुनिया में पहले ही आ चुका था तो मुझे लाने की क्या जरूरत थी। करा ली बेइज्जती, कट गई सद्दा में से। हाँ तो क्या हुआ, अबे गूंद रह के जाए तो बिली खो देगे। मेरा बेटा पंच नहीं मारेगा तो क्या पड़ोसी का मारेगा? इसमें क्या बेइज्जती है, ये सी बेइज्जती तो बहुत होती है मेरी। कितना नहाएंगे? अरे कब तक नहाओगे, अब तो साबुन भी घिस गया होगा। अब ये तेरा
अबे ये साबुन है तेरा दिमाग नहीं तुझे घिस जाएगा। अब चुपचाप बाहर निकलो। मैं तो बोलता हूँ, बोल अब तू क्या कर लेगी। चलो बाहर, पूरा बाथरूम गंदा कर दिया। बहुत अच्छे, ये बड़ी टीना पोलसन आती है, नहाने के लिए नल के नीचे बैठती है ना, तो पानी जैसे नीचे आता है इसको देख के वापस ऊपर चला जाता है। पानी भी कहता है यार इसे तो हम साफ कर देंगे, बाद में हमें कौन साफ करेगा। अरे यार फोन लगा लूं मैं, ये फोन किधर गया मेरा। अबे फोन किधर गया। अबे मेरा फोन किधर गया। फोन कहाँ जाएगा, उसके कोई पैर थोड़े ही लगे हुए हैं। तो तेरे तो पैर लगे ना, तू ढूंढ दे। पैर से तो बड़ी जल्दी ढूंढ लेती मेरी जेब में से। तो तुम अपनी चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखते हो। मेरी तो सारी चीज तूने खराब कर दी। कौन सी चीज खराब कर दी। अभी वो जो रेडियो लेके आया था ना, उसके कान मरोड़ के अपने बाप जैसा टंडीरा बना दिया उसको। 20 साल पहले लेकर आए थे, कब तक चलेगा। बहुत अच्छे, अबे तेरे को 20 साल पहले लेके आया था, तू तो अभी तक चल रही है। सुबह सुबह ना मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम्हारी तो आदत पड़ गई है, चीजों को यहाँ वहाँ रख दोगे और फिर भूल जाओगे। तेरी यादा बड़ी तेज है एल्मुनियम की शक्ल की। तुमसे तो अच्छी दिखती हूँ, खाते पीते घर से आई हूँ। बहुत अच्छी है, तू तो अम्मा की बुआ लगती है, तेरा तो पूरा खानदानी एटीएम में सोता है। मेरे खानदान पे मत जाना। अबे जानता हूँ तेरे खानदान को, जब बारात लेके आया था ना तो आधे बराती ने खाना खाया था और खाना खत्म हो गया था, वो तो शुक्र अल्लाह का बाजू की मस्जिद के अंदर लंगर लग रहा था, बाकी बराती ने लंगर लूट के पेट भराया अपना। मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहती। अब क्यों मुँह लगेगी, अब तो तेरा मतलब निकल गया ना। कौन सा मतलब। अच्छा बहुत अच्छे, इस घर में 6-6 बच्चे बिना मतलब के पैदा हो गए। तुमसे तो ना बात करना ही बेकार है। अबे तो मत करे ना बात, तेरे साथ मुझे कौन सी अंताक्षरी खेलनी है। ये से तो दी दिए 70 कफन भी आ गए। तो इसमें तो बैलेंस ही खत्म हो गया। मेरा तो खुद का बैलेंस खत्म होता यार। अब बिना बैलेंस के किसे मिला रही है। लोन ले रही हूँ 10 रुपए का। बहुत अच्छे, अबे लोन ले रहा 10-20 लाख का ले ले, जो घर की गरीबी दूर हो जाए। तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं जो 10-20 लाख का लोन दे देंगे। मेरे तो सारे रिश्तेदार भिखारी है, सास मंदिर के बाहर बैठती है और ससुर मस्जिद के बाहर। तुम फिर मेरे घर वालों को बीच में लेकर आए। अरे तो और किसको बीच में लाऊं, प्यार तो रहा नहीं हमारे बीच में। इस उम्र में प्यार, हाथ पैर तो कीर्तन कर रहे हैं। अरे तो तू क्या मुझसे कोयले के खान खुदाएगी इस उम्र में। तो क्यों लेते हो मेरे घर वालों का नाम। 5 रुपए लेके आते हैं मायके से, सबको दिखाती है पूरे मोहल्ले में, ये देखो मेरे भाई ने मुझे 5 रुपए दिए, मेरे अब्बा ने मेरे 5 रुपए दिए, और पति कमा कमा के सारी जिंदगी 1 लाख रुपए देते, वो कुछ नहीं है। तो वो तो तुम्हारा फर्ज है। फर्ज है, तेरे बाप का मुझ पर कर्ज है। अपनी बेटी दी है मेरे बाप ने। अब इस बेटी से अच्छी तो आम की पेटी देता ना, तो कम से कम चूसने का काम तो आती। Oh, no. क्या नहीं दिया मेरे बाप ने, अपनी हैसियत से बढ़कर दिया है। हैसियत से बढ़ के दिया है, और देश में ऐसा कुकर दिया है, इसमें दाल बनाओ ना तो साली सीढ़ी मुँह से बजानी पड़ती है। और वो जो टीवी दिया है बड़ा सा, वो नहीं दिखता। ये टीवी ये ऐसा टीवी है, इसको चलाओ ना तो इसके अंदर समाचार ही आते रहते। तो चैनल चेंज क्यों नहीं कर लेते। तो कहाँ से करूँ चैनल चेंज, तेरे बाप ने रिमोट तो दिया ही नहीं। और तुम्हारे बाप ने क्या दिया, मुँह दिखाई में 50 रुपए दिए थे, इससे अच्छा तो ये पड़ोसी है जो कम से कम 100-100 रुपए तो दे के गए थे। अबे तो वो भी पछता रहे थे, जब तू सुबह नहाकर छत पर बाहर सुखाने गई थी ना, देख के बोले या अल्लाह इसको रात को 100 रुपए दिए थे, इस चेहरे पे तो 2 रुपए भी नहीं बनते। तुम्हारे साथ तो बहस करना ही बेकार है, मैं चली। अबे तू कहाँ जा रही है। अब आईब्रो सेट करवाने।
लो कर लो बात। जिस उम्र में दांतों की बत्ती सेट करवाते, ये आईब्रो सेट करवाने जा रही हूँ। उतरी अभी मैं तो भूल ही गया यार, आज तो मेरी दुकान का मुहूर्त है, पीला पीला दिन है। मैं क्या, आप लोग चल लिए मेरे साथ? नहीं चल रहे, वही बात नहीं, एक ना एक दिन जुड़ाओगे मेरी दुकान पे। अभी दुकान ही ऐसी है, आना पड़ेगा। हाँ